अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बड़े अरसे के बाद साउथ अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ के बाहर निकला हूँ। पोर्ट एलिजाबेथ में बैठ बैठ के हम थक गए। बहुत अच्छी पता लगा था कि संडे मार्केट एक लग रही है, फार्मर्स मार्केट। हमारे पोर्ट एलिजाबेथ टाउन से अबाउट 30 किलोमीटर, हाफ एन आवर ड्राइव। तो आ जाएँ यहाँ पर तो सर्वे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। तो दिस इज फॉर माय इंटरनेशनल वेवर्स एंड साउथ अफ्रीकन वेवर्स दैट टुडे आई केम आउट ऑफ पोर्ट एलिजाबेथ सराउंडिंग एरिया नियर फॉन्सटाडन। इट्स अबाउट 30 मिनट ड्राइव एंड 40 किलोमीटर। वेरी नाइस संडे मार्केट, यू कैन से फार्मर मार्केट, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट केम हियर टू एक्सप्लोर दिस मार्केट। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गो इन एंड एंजॉय द मार्केट। तो मेरे दूसरे जो व्यूअर हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और जो उर्दू ज़बान समझते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें। अमरीका से वापस आने के बाद मैं पहली दफ़ा अभी निकला हूँ पोर्ट एलिजाबेथ में सराउंडिंग एरियाज में वीडियो बनाने के लिए। तो ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट इन एडवांस। लेट्स गो इन। तो चलते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर अंदर और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं मार्केट। ये शहद है, ऑलिव है, शहद है, क्रोसेंट है। ये एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ उन्होंने यहाँ पे, मिरर्स वगैरह हैं सारे, बेहतरीन ज़बरदस्त फार्मर मार्केट। ये दूसरा एक और हॉल है।
ये माहौल है जी असल साउथ अफ्रीका का। हम लोग बैठे रहते हैं हर वक्त अपनी शॉप में, घुस के घर में घुस के हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, निकलते नहीं है कहीं। तो आज निकल के बाहर आए हैं तो देखो इतनी खूबसूरत एरिया और मार्केट है। ये स्टॉल संडे मार्केट लगाई हुई है, बंदे यूरोप और अमेरिका को गाते रहते हैं। इधर देखो क्या खूबसूरती है, this market. Oh, fantastic. I love it of all the markets. This is the best one. You like this market, eh? Absolutely. The variety is unlimited. Good. It's a nice atmosphere too, eh? Beautiful. Everyone is happy and smiling. Happy and smiling in summer weather, eh? Nice summer market. ये जनाब अरे बाहर फार्म के अंदर भी इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, अंदर हॉल में भी स्टॉल लगाए हुए हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, खाने के भी बेहतरीन सब ये लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि हम पोर्ट एलिजाबेथ में बैठ बैठ के जो है ना बिल्कुल गायब बन गए हैं उधर। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं है, ये आई थिंक नॉट इवन 40 किलोमीटर आई थिंक, नॉट टू मच। How far we came from Port Elizabeth? 40 kilometer about? How far from Port Elizabeth we are? 25 minutes drive. Kilometer. Maybe 25-30. 25 minutes. It's only like 25 minute drive from Port Elizabeth. Definitely not 50-60 kilometer, because there 60 kilometer is the Jeffreys Bay. And we are almost half the way. So 25 or 30 kilometer from city town to this farm area, and you can see the atmosphere of this area. This is I'm explaining for my South African viewers and my overseas viewers. I'm doing this channel in Urdu language for my Pakistani and Indian followers. And I'm doing some description for my international viewers, because I have my subscriber from around the world.
तो भाई ये है एरिया पोर्ट एलिजाबेथ से, यह एरिया हमारा पोर्ट एलिजाबेथ से 25-30 किलोमीटर दूर तो मैं आया हुआ हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने फॉर्म एरिया बनाया है, इसमें इन्होंने ये स्टॉल लगाए हुए हैं। ये फन स्टार्डन जगह है पोर्ट एलिजाबेथ से 30 किलोमीटर दूर, उधर एक बहुत ज़बरदस्त डेवलप फार्म है जिसमें इन्होंने ये हॉल भी बनाए हैं और ये ओपन एरिया भी रखा है। You know when you're out of that your daily routine, मैं जाऊंगा। यू वांट टू प्ले ऑन द कासल? आई कैन गो, यू नो मी। ये पाकिस्तानी रक्षा भी देख लो, टक टक जूस बेच रहा है रक्षे में बैठा रख के। यहाँ बोलते हैं टक टक, पाकिस्तान या इंडिया में बोलते हैं रक्षा, नहीं पाकिस्तान में रक्षा बोलते हैं मेरे ख्याल से, इंडिया में भी टक टक ही बोलते हैं। एक बार रेस्ट एरिया खाने पीने के लिए। Music system. बोन बन रही है यहाँ पे। Not zero, other one. Can you give me can, no problem.
वाटर और कोक लेने आया हूँ यहाँ पे। हाँ मुझे ओके मार्केट मार्केट ख़त्म कर दिया, हम निकल रहे हैं वापसी की तरफ का सफ़र शुरू कर दिया। ये पार्किंग से बाहर जा रहे हैं, ज़बरदस्त पार्किंग बनाई है उन्होंने। ड्राइव में देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने इसको दरख्त वरख्त लगा कर डेवलप करके बनाया है, खूबसूरत सामने वैली। बहुत जबरदस्त फार्म डेवलप किया उन्होंने, देखे गाय देखे उठे हाथ को इस साइड पे सारे है। लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं लेकिन तकरीबन मार्केट कंप्लीट हो ही गई है, अभी भी आ रहे हैं। सारा भी मैं अंदर से घूमा है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। अब ये बाहर का रास्ता है, दिस इज ओनली वेंडर्स पार्क है। वेरी ब्यूटीफुल सिनारियो, वेरी नाइस। ड्राइव वे चेक करें, ड्राइव वे जबरदस्त उन्होंने एक से दरख्त लगा के ना बेहतरीन रोड बनाया, फ्यूचर प्लानिंग। Definitely, all can do with the money. If you don't have money, you can't do anything. You can't develop anything. You can't maintain anything if you don't have money. मेरे पीछे देखे कारें अगर आपको नजर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट है, शायद ही नजर आए वीडियो में, मुझे तो शीशे में नजर आ रही है। ये निकल आए हैं बाहर की तरफ, अब उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरनेशनल ट्रैवल अभी ये करके आया हूँ, और मज़ीद ट्रैवल करने से पहले जो है कुछ इधर वीडियो बनाऊँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर सारे काउ हैं, दिस इज नॉट फार फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ, हमारे टाउन से बहुत ही करीब है। नाउ वी ऑन द रोड, मेन रोड आफ्टर द ग्रेवल रोड,
trees are how beautiful, no holes, no potholes, nothing. रोड चेक करें कितना साफ सुथरा रोड है, बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि अंदर से निकल के अब आ गए हैं बाहर के रोड पे, मेन रोड के उस साइड पे, हाईवे नहीं है ये भी, अंदर जा रही है फार्म एरिया है, लेकिन रोड देखें कितना साफ सुथरा है, कोई खड्डा नहीं, कोई सुराख नहीं, कोई ब्लॉक किसी भी किस्म का, साफ सुथरा रोड। चेक द ग्रीनरी ऑन द बोथ बोथ साइड।